मेरा दिल बदल दे। मैंने पहले भी वजाहत की थी कि घर में ये जो मोटरसाइकिल्स वगैरह तो थे, तो उसके बाद फिर मैंने एक कार के ऊपर से मुझे आ रहे कि मैं कहीं मर्तबा वहाँ वक्त डीसी होते थे, डीसी साहब होता था, अब तो डीसीओ वगैरह होता है, डीसी साहब के पास जाते कि मुझे परमिशन दे दे कि मैं अपनी जो फुटबॉल ग्राउंड है हमारे हाई स्कूल की उसके अंदर मैंने जंप करना है। वो अब मैं न वालिद साहब को बता सकते हैं न किसी और बड़े को बता सकते हैं, मैं वाला अगर इनको बता दें उन्होंने तो मुझे कभी देना भी नहीं, वो उनके पास जाएंगे। अब वो रोज़ाना हमें डीसी साहब बुला, आज देता हूँ कल देता हूँ, काफ़ी वक्त तंग थका, आखिर मैंने बोला इन्होंने नहीं देना है। मगर वहाँ उनकी जो ऑफिस थी वो फर्स्ट फ्लोर पर थी, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दो फ्लोर थे, ऊपर जो है छत थी बस। मैंने वो रास्ता मालूम किया कि जिस तरीके से पैदल जाते हैं छत पे भी रास्ता खुला है, कोई रुकावट नहीं, मैं बस मैं मोटरसाइकिल पर आया और रास्ता तो मुझे पता था कि इस वक्त जो है ये हो गया। मैंने जो मोटरसाइकिल स्पीड पर लेकर के सलंग सर उसका आवाज़ तो उनका होता है बड़ी मोटरसाइकिल, मैं सीधा छत पर लेके गया। अब वो जो शर शोर डीसी साहब पुलिस वाला आ गया नीचे, मैंने बोला अगर कोई आ गया मैं यहीं से जंप करता हूँ, अब यहाँ से तो बचना भी नहीं क्योंकि दो फ्लोर पर जाएंगे वो प्लेटफार्म नहीं होगा, वहाँ तो प्लेटफार्म के लिए एक एंगल होता है, एंगल लेने के लिए होता है, स्पीड मांगता है पीछे से। मैंने बोला यहाँ से तो मरना ही है, उन्होंने पर मैं इतना अरसे से पर उन्हें हम देंगे। मैंने बोला पहले लेटर टाइप कर दो मेरे हाथ में पकड़ा दो। जब आपकी पहले 87 की है जो रिकॉर्ड बना था, पहला आलमी रिकॉर्ड जी वो 87, उसमें क्या खास बात थी? जंप तो मैंने पहले भी किए थे ना, जंप करते करते वो परमिशन मिल गया, जंप हो गया, मगर जब यहाँ मैंने नेशनल हार्स एंड केटल्स में शो में जंप किया था तो पहली बार, उसके लिए 1984 में मैं लाहौर आया था कि भाई हार्स एंड केटल शो में मैं सीधा चला गया हार्स एंड केटल शो, मैंने बोला मैं जंप करना, कहते अभी तो ये नहीं हो सकता है, ये आपके रिहर्सल होगा अगर वो जो है ना, तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिंटो पार्क मीनार पाकिस्तान के साथ वहाँ पे उन्होंने मेरा प्रोग्राम अरेंज किया था, वो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने, उस पर ब्रिगेडियर सरफराज साहब थे डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अरेंज किया, उस पर कोर कमांडर साहब को बुलाया था, वो मुझे पता है कि वो नाम तो अब मेरे जहन से निकल गया, कितना अरसा हो गया, जंप किया उनके सामने। मगर वो चूँकि हम जब भी जंप करते थे तो हम सुबह के टाइम नहीं होते थे वहाँ जो है, तो वो घास थी, घास में चूँकि वो जो शबनम हो जाता है तो वो गीली हो जाती, अब गीली और सूखी का बहुत फर्क होता है। तो जब वो जंप आया तो 10 कारें खड़ी की थी, कारों को तो क्रैश किया, जब लैंड हो गया तो वो चूँकि वो ज़मीन हर चीज़ के झटका बोर लगता है, वो स्लिप होकर के गिर गया। तो मैंने उसी वक्त स्टीयरिंग सीख, मैंने बोला ये चूँकि ये जो जंप हुआ है ये इस वजह से कि ये पहला एक्सपीरियंस था घास गिले का, अभी दोबारा इसी वक्त नहीं नहीं हो गया, मैंने बोला करके दिखाना है, फिर कहेंगे कि भाई आप रिहर्सल दे दो, मुझे तो ये डाउट था, मैंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी पैसे भी लगे हुए थे। फिर मैंने जब 1985 में हार्स एंड केटल शो नहीं हुआ इलेक्शन की वजह से, 96 में मेरे जंप रखा गया। तो जंप की बात जो है ना वो, तो हमने कहा कि भाई वो ब्रिगेडियर साहब के भाई इन्होंने जंप किया इनके लिए ट्रॉफी रखो, तो इनको भी दे दो ताकि वो भी चीफ गेस्ट उसमें थे, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान प्रेसिडेंट यूनाइटेड अरब अमारात और जनरल मोहम्मद जियाउर हक साहब थे, तो वो दोनों थे। तो अब जब 96 तो जंप हो गया तो ब्रिगेडियर साहब उन्होंने कहा नहीं, उन्हें बोला हम ट्रॉफी नहीं, उन्हें बोला नहीं नहीं किसी आपके पहले शेड्यूल में इनाम थे नहीं, उन्हें बोला कोई बात नहीं, हम खड़े थे सबको इनाम मिलेगा, कहने के उलमा कुरान पाक में भी है जिसका मफहूम है इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के पास, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त दे, जिसको इज़्ज़त की कुर्सी में बिठा के जाने वो भी अल्लाह के हाथ में। तो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आप यहीं खड़े रहो कुछ बात नहीं, अगर हमारी मुकद्दर में हो गया। उसके बाद जब सब हो गया शेख जायद खुद करते हैं कि कहाँ पे है वो नौजवान, मैं तो उसे खुद मिलना चाहता हूँ, शेख जायद ने खुद। फिर उसी वक्त ट्रॉफी भी निकल आई, सब कुछ निकल रहा है, फिर हम उससे मुलाकात हुए, फिर ट्रॉफी दे, फिर शेख जायद ने कहा था कि भाई मैं पहले यूरोप अमेरिका में देखते थे उन लोगों की जम के, भाई ये बड़े बहादुर लोग हैं, मगर आज मुसलमानों में देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई उसमें सही से, आप क्या चाहते हैं? मेरे वही अल्फाज जो है ना, मैंने तो आज तक किसी से कोई लिया नहीं था, न लिया है अभी भी मैं कह रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मेरे लिए आपके ये अल्फाज काफ़ी है। फिर उन्होंने अपनी तरफ से गाड़ी का ऐलान किया और एक शाही खंजर का ऐलान किया, शाही खंजर भी मिला गाड़ी में मिला, मगर गाड़ी जो मिली वो जो ऐलान हुआ था वो नहीं मिले, मगर मैंने फिर भी उसका कंप्लेन नहीं की। उसकी वजह मैंने बोला फिर कहेंगे भाई मुल्क के लिए पैसों के लिए, पर मैं चुप। ये
96 का पहला हार्स एंड कैटल शो थे।